तो आज हम ये रेड गियर के कीबोर्ड को हम श्रद्धांजलि देते हैं, क्योंकि ये मेरे साथ पूरे के पूरे 3 साल तक ये बना रहा। सुबह सुबह ही इसने अंतिम सांसें ली थी। ये 3 तारीख दिसंबर 2021 का इसने लास्ट सांसें ली थी, तो इसके ऊपर हम 1 मिनट का मौन रखते हैं आज। तो आज मैं इसका मैं कीबोर्ड ये कीबोर्ड का मैं रिव्यू करने जा रहा हूँ, जो मैंने लगभग आज से कम्प्लीटली 3 साल पहले मैंने इसको लिया था 2018 में 11 दिसंबर को मैंने लिया था। यहाँ पे आप स्क्रीनशॉट देख सकते हैं। ये कीबोर्ड सेमी मैकेनिकल रेड गियर का कीबोर्ड आता है, मैकेनिकल फील देता है बट मैकेनिकल कीबोर्ड है तो नहीं। तो मैंने इसको परचेस किया था 700 रुपये में, रिफर्बिश पीस था बट कम्प्लीटली मुझे नया ही मिला था। थोड़ा सा एक बॉक्स ओपन हुआ जो रिफर्बिश में जो होता है वो ही था, उसके बाद मैंने ये परचेस कर लिया था। और मतलब 3 साल तक आज तक मैंने इसका इस्तेमाल किया है, और आज सुबह ही ये 3 दिसंबर है तो आज सुबह ही ये थोड़ा सा प्रॉब्लम देना चालू कर दिया था और सडनली ये जा चुका है। मतलब ये मैंने खोल के इसका जो USB केबल है, तो ये इसका जो USB केबल है को कम्प्लीटली चालू है, इसकी सर्किट जो है वो ही इसकी बंद हुई है। LED भी चालू है इसकी, जो अंदर 3 टाइप की LED कलर आ जाता है, जैसे कि ब्लू, रेड और पिंक वाला, मतलब कि 2 LED ही आती है। जो एक वीडियो गेम की कैसेट की टाइप की जो एक आती है ना सर्किट, वो ही बंद हो चुकी है। तो भाई इसका आज से टाटा बाय बाय करना पड़ेगा, क्योंकि सर्किट तो हम रिप्लेस नहीं करवा सकते, पर 3 साल हो चुके हैं तो वारंटी भी नहीं है। जो केबल है वो भी बहुत ही मजबूत किस्म का है। आप देख सकते हैं इसकी डिज़ाइन ब्लैक वाला, और पीछे आप देख सकते हैं ऐसा कुछ आता है। ये जो है वो मेटल है, ये हैंड रेस्ट करने के लिए ये ऐसा कंस्ट्रक्शन आपको मिल जाता है। ओवरऑल मैं अपना रिव्यू रखने जा रहा हूँ, तो मैंने इसको 3 साल भर भर के यूज़ किया था, बहुत ही हैवी यूज़ किया था इसका। एक वन सेकंड आप यहाँ पे सुनेंगे साउंड, की का जो साउंड है वो बहुत ही नया नया जो होता है वो तो थोड़ा सा ज़्यादा होता है, बट ओल्ड हो जाता है तो ये स्मूथ थोड़ा सा हो जाता है। आप सुन सकते हैं इसका साउंड, और नया वाला होता है तो उसमें टिक टिक ज़्यादा आवाज़ आता है। और यहाँ पे कुछ ऐसा कुछ दिया गया है, तो कीबोर्ड थोड़ा सा एलिवेटेड, थोड़ा सा एंगल में आपको रखने को मिलेगा। बाकी तो ये कीबोर्ड में कोई परेशानी नहीं थी, बट इसकी सर्किट फेल हो चुकी है। 5 में से 5 स्टार इसको दूंगा, क्योंकि ये परफेक्टली मेरे लिए काम करता रहा। फाइनल में बात करूँ तो अगर आपको लेना है तो भाई आँख बंद करके ले लीजिए, इसमें कोई भी परेशानी नहीं होगी। अगर आपके और कोई स्पेसिफिकेशन आपको इसके बारे में चाहिए तो भाई आप, मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया, वहाँ से आप इसकी ओरिजिनल वेबसाइट से आप इसका स्पेसिफिकेशन देख लेना, तो ही आपको ओरिजिनल पता चलेगा। बाकी ढेर सारी वेबसाइट में कुछ स्पेसिफिकेशन में गड़बड़ी आ जाती है, तो वहाँ से आप देख लेना। मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दिया, अमेजोन वाली 2 लिंक मैंने डाल दी, एक रिफर्बिश पीस वाली है और एक नई पीस वाली है, वहाँ से आप आसानी से वहाँ से चेकआउट कर सकते हैं अगर आपको ये लेना है तो। भाई अगर आपको मुझे पूछेंगे कि भाई ये लेना है या नहीं लेना है, तो भाई आसानी से आप ये ले सकते हैं। रेड गियर का कीबोर्ड सेमी मैकेनिकल टाइप, आप भाई पैसा वसूल, मैंने भाई 800 रुपये में 3 साल तक यूज़ किया है, तो भाई पैसा वसूल प्रोडक्ट है मेरे ख्याल से, और बहुत ही हैवी रफ एंड रफ वाला यूज़ किया तो भाई बहुत ही बढ़िया है। तो चलिए अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। ये वीडियो आगे वाले वीडियो जरूर से देखते रहना।